और आप सबे लोगन के पाव लागत है। जी हाँ, मिशन 2019 को कंप्लीट करने के लिए पीएम मोदी ने पूर्वांचल से हुकार भरी। पहले आजमगढ़ में पीएम मोदी ने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया, जो लखनऊ से शुरू होकर 9 जिलों को जोड़ते हुए बलिया तक जाएगी। 36 महीने में बनकर तैयार होने वाली सड़क की लागत करीब 23,000 करोड़ आएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र में विकास की एक नई गंगा बहेगी। ये गंगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तौर पर आपको मिलने जा रही है। मोदी हो या योगी, आप ही लोग हमारा परिवार है। आपके सपने यही हमारे सपने हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने विकास कार्यों के लिए अपने संसदीय क्षेत्र को 1,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। काशी के विकास की गति भी तेज हो गई है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए अभी अभी मैंने करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। शिलान्यास और सौगात के बाद पीएम ने यहां सियासी सुर भी छेड़ा और विरोधियों पर चुन चुन कर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, आपको ठीक लगे आपको मुबारक, लेकिन ये तो बताइए कि मुसलमानों की पार्टी भी क्या सिर्फ पुरुषों की भी है कि महिलाओं की भी है? क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए भी इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, गौरव के लिए, उनके हक के लिए कोई जगह है क्या कि जो कभी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, पसंद नहीं करते थे, वो अब एक साथ। ये जितने जमानत पे है वे मिल करके सभी परिवारवादी पार्टियां, ये सारे लोग कुनबे देख लीजिए, ये परिवार वाली पार्टियां हैं, ये सारी परिवार पार्टियां मिलकर के अब आपके विकास को रोकने पर तुले हुए हैं। पीएम के हमले से विपक्षियों में खलबली मचनी थी, सो मची, और फिर सुनिए क्या हुआ। हर वर्ग को लेकर चला है अगड़े पिछड़े को, तो उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और उस परंपरा का पालन पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक जारी है। सन 2014 में ही अपनी सरकार बनने के कुछ समय के बाद ही इसको लागू कर देती है, अर्थात इस पर काम करना शुरू करवा देती, तो तब फिर इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किए जाने की बजाय इसका उद्घाटन किया जा सकता था। विपक्षियों की तिलमिलाहट भी जायज है, क्योंकि 2014 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर सिमटने वाले पूरे विपक्ष को पता है कि 2019 की राह आसान नहीं है, बल्कि वोट शेयर को बढ़ाने पर भी चल रही है। पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे की सौगात देकर बीजेपी ने राज्य की 32 सीटों को साधने की कोशिश की है, जिससे विपक्षियों के पेशानी पर बल पड़ गए हैं।